भारत सरकार के राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एसएसबी कैंप मधवापुर के सौजन्य से शुक्रवार को मिट्टी संग्रह रैली निकाली गई। इस मौके पर एसएसबी और राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय रामपुर के छात्र छात्राओं ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर भारत माता की जय आदि गणन भेदी नारे लगाते हुए एसएसबी कैंप प्रांगण से भव्य मिट्टी संग्रह रैली निकाली। यह रैली एसएसबी कैंप से शुरू होकर मधवापुर पंचायत के बस पर पिठियागाछी गांव कन्हैया बहार चौक होते हुए पुनः एसएसबी कैंप पहुंचकर समाप्त हो गया। रैली के दौरान एसएसबी जवानों के द्वारा घारा लेकर घर घर से मिट्टी संग्रह किया गया। रैली का नेतृत्व एसएसबी कैंप के असिस्टेंट कमांडेंट मनीष माहौर कर रहे थे। असिस्टेंट कमांडेंट मनीष माहौर ने कहा कि भारत के 77वें स्वतंत्र दिवस पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर गांव-गांव से मिट्टी संग्रहित कर दिल्ली भेजनी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को नमन और वीरों की वंदना करना है। एसएसबी के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में एसएसबी के कई एएसआई बालक राम, राम निरंजन जनता इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ झा, मुखिया राजेश कुमार, सरपंच बलराम कुमार झा, समाज सेवी प्रोफेसर राकेश नायक, प्रभुनाथ मिश्र, कमांडो मुन्ना त्यागी, हेड कांस्टेबल अजीत कुमार पांडे, अभिषेक दसौर समेत एसएसबी जवान व कॉलेज के छात्र छात्राएं शामिल थे। झंडा उठाओ। एसएसबी कैंप मधवापुर के तत्वावधान में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसबी कैंप से निकलकर मधवापुर पिठियागाछी बाजार होते हुए गांधी चौक के बाद सुतापट्टी रोड होते हुए कन्हैया बहार चौक से भगत सिंह चौक होकर महारानी स्थान से पुनः एसएसबी कैंप तक मिट्टी संकलन किया गया, जिसमें मधवापुर राम निरंजन जनता इंटर महाविद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभुनाथ झा जी एवं सभी छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही तथा एसएसबी की ओर से इस कार्यक्रम को इतने बढ़िया तरीके से आयोजन करने के लिए संपूर्ण मधुरापुर ग्रामवासी के तरफ से हार्दिक आभार। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।